हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को हरियाणा के रोहतक में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन भी किया, लेकिन रैली के दौरान वहाँ मौजूद लोगों की संख्या देख शायद पार्टी को थोड़ी निराशा जरूर हुई होगी। केंद्र सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद पीएम मोदी की इस चुनावी रैली को मेगा रैली में तब्दील करने के लिए स्थानीय नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगाया था, लेकिन अनुमान से कम लोगों का इस रैली में शिरकत करना पार्टी के लिए खतरे की घंटी जरूर है। रैली स्थल पर 5 पंडाल बनाए गए थे, लेकिन इसमें सिर्फ पीएम मोदी के सामने वाला पंडाल ही भरा रहा, जबकि बाकी के 4 पंडाल में कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। बताया गया था कि इस पंडाल में 1,00,000 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन कम संख्या बल पहुंचने से हरियाणा इकाई के नेताओं के चेहरे पर तनाव होना लाजमी है। रैली स्थल से एक यूजर ने हालात के बारे में ट्वीट किया और बताया कि कैसे कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। हालांकि यह विरले ही देखा गया कि पीएम मोदी की रैली हो और लोगों का हुजूम इतनी संख्या में पहुंचे। रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने 100 दिन की सरकार के कामकाज का लेखा जोखा पेश किया। उन्होंने कहा कि देश में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि संसद के सत्र में इस बार जो काम हुआ उतना पिछले 6 दशकों में नहीं हुआ था। मुस्लिम बहनों का अधिकार, आतंकवाद के खिलाफ जंग समेत कई कारगर कानून बनाए गए। पीएम ने कहा कि हम चुनौतियों से सीधे टकराना जानते हैं। हरियाणा के संदर्भ में उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के भीतर करीब 25,000 करोड़ रुपए के बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में होने वाली सरकारी नौकरियों में बंदरबाट की परंपरा को खत्म कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSN न्यूज। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।